तो अभी बज रहे हैं 5:30। नवामी को स्कूल छोड़ दिया है, स्नोवी नीचे बैठी, ट्यूशन सॉरी नवामी को ट्यूशन छोड़ दिया है और स्नोवी नीचे बेडरूम में सो रही है आराम से। तो अभी शांति खामोशी पड़ी है। अब मैं सोच रहा हूँ अपना ये जो कुरियर आया है इसको अनबॉक्स कर लूँ इस टूटे हुए चाकू से। तो अभी मौका अच्छा है, नहीं तो बच्चे जो है धाए धाए करेंगे कि क्या है क्या है क्या है। मुझे ऐसा यकीन है कि मेरी ही चीज़ है इसमें, बस घर का सामान भी। ऐसा ना हो ईंट पत्थर भेज दिया। हाँ ईंट पत्थर भेज दिया, खतरनाक तरीके से पैकिंग की गई है, ऐसे कर दिया सारा कबाड़ एक ही में भर दो। तो ये है वो चीज, देखा लैपटॉप सा लग रहा है। ये है, क्या चीज है? ये है मेरे ड्राइंग का ट्राइपॉड मंगाया था आपने? नहीं, ड्राइंग का जो गैजेट वो लगाते हैं ना स्टैंड, ऊपर नीचे अपने हिसाब से कर लो लाइट के साथ। ये तो आपने मुझे बताया नहीं, ये भी मंगा रहे थे आप? ये तो सरप्राइज है। शौक है या सरप्राइज? तुम्हारे लिए शौक है, मेरे लिए सरप्राइज। स्नोवी का, स्नोवी और अपने कभी कभी अपना कभी कभी स्नोवी का ये चीज़ है। दो पैकेट में 2.5 किलो के ऑलमोस्ट, लोकल वाले ज्यादा सस्ते आ जाते हैं। और ये जो है ये एपिस का हनी है, अच्छा ये 1 किलो पे 1 किलो फ्री मिलता है, यानी 1 किलो के प्राइस पे 2 किलो मिल जाता है और ये बहुत रीजनेबल प्राइस पे मिल जाता है अमेजन से। तो मैं इसी को मंगाता हूँ, तीसरी बार मंगाया ये, बहुत अच्छा है। 4 किलो हम खा चुके हैं, 2 किलो और खाएंगे, पूरे जाड़े 6 किलो हो जाएगा शायद। और शायद खाते हैं मक्खी के बाद, हम ही शायद खाते हैं। सर्दियों में थोड़ा जरूरत ज्यादा पड़ती है। तो ये चीज़ जो है, और ये खाली डब्बा नमामी के खिलौने के लिए, ये नमामी के खिलौने में काम आएगा। ये चीज़ जो है ये मैं आपको अलग से अनबॉक्स करके दिखाऊंगा, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उसको लेकर। इसकी वजह से मैं अच्छे से ड्राइंग वीडियो बना पाऊंगा और अनबॉक्सिंग वीडियो भी बना पाऊंगा। तो अभी बज रहे हैं 1:30 और वो जो मैं कुरियर मंगाया था मैंने अपने आर्ट चैनल के लिए, वो मैं आपको दिखा देता हूँ खोल के, क्योंकि उस दिन मैंने दिखाया नहीं था। आज मौका मिला है दिखाने का, टाइम ही नहीं निकल पा रहा था क्योंकि इसका पूरा अनबॉक्सिंग वीडियो बनाना है ना। तो चलिए मैं दिखाता हूँ क्या है इसमें। तो सबसे पहले हम इसके पार्ट्स निकाल लेते हैं। ये एक पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, ये तीसरा पार्ट है, ये चौथा पार्ट है मेन पार्ट, ये छठवा पार्ट है और लाइट है। तो ये हमारे पास अब ये खाली हो गया, तो ये जमा हो गए हमारे पास। मैं इनको एक एक करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले तो हमें ये मैनुअल देखना है, इसमें मैनुअल में इसको कैसे अटैच करना है, पार्ट्स कैसे जोड़ने हैं आपस में, ये दिया गया है पूरा। तो इसको अच्छे से देख लेना है कि इसको कनेक्ट कैसे करना है आपस में। इतना मुश्किल नहीं है, आसान ही है वैसे। तो ये इसका ये होल्डर है, इस ये काफ़ी बड़ा वाला है, बड़ा है काफ़ी, ये देखिए। तो ये जो होल्डर है ये टैबलेट के लिए है और मोबाइल के लिए नहीं। मोबाइल अगर आप लगाएंगे तो लंबा लंबा इस तरह से करके लगा सकते हैं, लेकिन एक्चुअली ये टैबलेट के लिए ही है। तो ये इसमें ये लगेगा इस तरह से, ये लग गया और ये ऐसे लग जाएगा। और बाकी आप देख सकते हैं ये डायरेक्शन में घुमाने के लिए, इसको काफ़ी चौड़ा भी जाता है, इसमें काफ़ी चौड़ा बड़ा टैबलेट भी लगा सकते हैं। दूसरा ये पार्ट है, इसको भी खोल लेते हैं। काफ़ी अच्छी पैकिंग की है, तमीज से थोड़ा बढ़िया सा पैक किया है, जल्दबाजी में पैक नहीं किया है। बहुत अच्छा सा है, गद्दी लगी हुई है, ये भी इस तरह के मेरे पास काफ़ी सारे रखे हुए हैं। इनको ये नहीं भी भेजते तो मेरा काम चल जाता, लेकिन भेजा है तो बहुत अच्छी बात है, मतलब सबके पास नहीं होते ना। तो ये मोबाइल के लिए है, हर मोबाइल इसमें फिट हो जाएगा। और ये है आपका, तो ये है, अब देखना है किस तरह से लगाना है ये, इसमें देखना पड़ेगा। ये पार्ट ये मेटल का बना हुआ है पूरा, काफ़ी भारी है, बहुत मजबूत लग रहा है। इसको अलग रखते हैं, अब ये देखते हैं। ये तो बहुत ही अच्छे से पैक हो रहा है, इसको खोलने में टाइम लगेगा। तो वीडियो बीच में कट करके मैंने इसे खोल लिया था। तो इसमें एक और
होल्डर है जो कि इसके साथ है। ये देखिए, ये मुड़ता है कई डायरेक्शन में, तो आप समझ गए होंगे ये भी उसी की तरह लगेगा। और ये जो है इसका देखना पड़ेगा, ये शायद कसने के लिए है उसको, इस चीज़ को इस तरह से इसमें लग जाएगी। और अब ये इसमें लग जाएगा और बाकी इससे इसको कसेंगे दो तरफ से, इस तरफ से यहाँ से लगेगा एक ऐसे, और इसको ढीला करने के बाद इसको भी घुमाया जा सकता है। और इसको घुमाने के बाद इसको अगर हम कस देते हैं तो ये नहीं घूमेगा, इस तरह से कस देते हैं तो ये नहीं घूमेगा। तो ये भी अब आपको मेन पार्ट दिखाता हूँ, ये इसी के ऊपर सारी चीज़ें टिकी हैं। तो ये जो है ये इस तरह से खुल जाता है, यहाँ से लगाया जाता है और इस तरह से। तो चलिए इसको, इन सब चीज़ों को सेट करते हैं और इस तरह से बंद हो जाता है। तो जो लास्ट आइटम है वो है ये रिंग लाइट, ये देखिए। तो ये इसके साथ में भी मतलब आप जब इसको ऑर्डर करते हैं तो साथ में भी मंगा सकते हैं, बिना इसके भी मंगा सकते हैं। इसके साथ अगर आप मंगाएंगे तो ये थोड़ी सस्ती पड़ जाएगी, 20-30% तक सस्ती पड़ जाएगी। और अगर आप इसको अलग से मंगाएंगे तो ये महंगी मिलेगी, जाहिर सी बात है। तो इसको खोल कर दिखा देता हूँ। तो ये बहुत ही सिंपल सी है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, ये रिंग लाइट है, ये देखिए। तो ये इसका जो है कंट्रोलर है और इसका प्लग है USB का। तो ये आप लैपटॉप से, PC से, पावर बैंक से किसी में भी कनेक्ट कीजिए तो ये डायरेक्ट चलता है। इसकी बैटरी नहीं है कोई, ये डायरेक्ट चलता है। बैटरी होती तो बैटरी गड़बड़ भी हो जाती है। तो ये प्लस पॉइंट भी है, माइनस पॉइंट भी है, मुझे तो प्लस पॉइंट ही लगता है। ये कंट्रोलर है, इसमें तीन बटन तो इसके ऑपरेटिंग है, एक पावर का है। इसको चालू कर देंगे तो ये चालू हो जाएगी, और बाकी कम करने का, ज़्यादा करने का और चेंज करने का इसकी कलरिंग। तो मैं दिखा देता हूँ आपको कंप्यूटर में ही, मैं इसको चालू करके दिखाता हूँ। तो ये आपकी इसका जो है लाइट चालू हो गई है, तो ये चालू हो गई। इसको हम दबा देंगे तो ये जल गई। अब यहाँ से हम इसकी कलर टोनिंग बीच के बटन से चेंज कर सकते हैं, ऐसे 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 ऐसे। तो इससे कम कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये मैं कम कर रहा हूँ, इससे मैं ज़्यादा कर दूँगा। बहुत हल्के हल्के बढ़ती है, मालूम नहीं पड़ता है। तो ये इस तरह से काम करती है। ये इसका इंस्ट्रक्शन पेपर है, मैनुअल नहीं है, एक तरह से इंस्ट्रक्शन समझ लीजिए। मैनुअल की तो ज़रूरत भी नहीं है वैसे भी। और ये इसका कार्ड है जिससे आपकी कैशबैक ले सकते हैं, तो इसकी तो ज़रूरत नहीं है मुझे, ये थोड़ा काम का है। तो ये सारा सामान है जिसे हमें असेंबल करना है। तो ये जो है ये टेबल पर लगता है, इस तरह से टेबल पर आप फिट करके इसको कस सकते हो इस तरह से, ताकि टेबल पर हम इस रॉड को ये जो है अटैच कर सकें। तो इसका ये जो पार्ट है ये वाला, तो इसको इसमें इस तरह से डाला जाता है, ऐसे इस तरह से, और ये हिस्सा टेबल में अटैच कर दिया जाता है। तो इसको डालने के बाद आप ये जो पेच है दिया है इसको कस सकते हैं यहाँ पर, इस जगह पर, ताकि ये इसमें फिट हो जाए। तो ये हमने कस दिया इस तरह से, इसको कस दिया है और इसमें इसको लगा लिया है। अब हमको इसको साइड में रखना है और इसको इसमें लगाना है। ये जो आपको दिया गया है ये मुड़ता है, कर्व होता है इस तरह से। इसमें ये जो कील सी दी है, स्क्रू टाइप का, ये इसमें लग जाता है। तो इसको हमें लगाने के लिए पहले इसको खोलना पड़ेगा, इस होल्डर को खोलने के बाद ये जो हिस्सा है ये इसके अंदर चला गया। अब इसको इसमें कस सकते हैं, इसको टाइट करने के लिए, ताकि ये बाहर ना आए। ऐसे ही ये इसमें लग जाता है, क्योंकि ये टैबलेट के लिए, हमारे पास मोबाइल है, टैबलेट नहीं है, तो हम इसका यूज़ नहीं करेंगे। इसको हमने लगा लिया है तो हम इसी को लगा कर रखेंगे और इसको रख देंगे, कभी टैबलेट लगाना पड़ा आगे तो उसका यूज़ करेंगे। इस तरह से खुल भी जाता है, चौड़ा टैबलेट, बड़ा टैबलेट भी आ सकता है इसमें। और ये जो है अगर आप डायरेक्ट लगाना चाहते हैं इसमें, जैसे ये है,
इस केस में डायरेक्ट लगाना चाहते हैं आप, तो आप इसको डायरेक्ट भी ऐसे लगा सकते हैं, इधर से भी लगा सकते हैं, दोनों साइड से। तो ये अलग जो है होल्डर है, अभी हम इसलिए इसको यूज़ करेंगे क्योंकि हम लाइट भी साथ में लगाएंगे। तो ये जो चीज़ है ये कहाँ लगती है, ये लगती है इसके ऊपर, ये जो खुलती है, तो इसके ऊपर हम इसको, ये देखिए ये इस तरह से है, यहाँ से कसते हैं इसको और इसको हम यहाँ पर इस तरह से लगा देंगे। ये हमने लगा दिया, अब हम इसको फिट करते हैं अपनी अलमारी में या टेबल में। क्योंकि मेरी टेबल काफ़ी मोटी है तो सामने वाली जो अलमारी देख रहे हैं आप, ये काफ़ी पतली है, तो मुझे इसमें फ़िट करना पड़ेगा, मेरी टेबल में नहीं आएगा, तो मैं इसमें लगा देता हूँ। तो ये काफ़ी अच्छे से टाइट हो गया है, फ्री हैंड घुमाया भी जा सकता है इस तरह से, बस इसको थोड़ा सा लूज़ करना पड़ेगा। लूज़ करने के बाद इसको घुमा लिया हमने, अब ये आगे आ सकता है, पीछे जा सकता है, जितना चाहो ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये फ्री हैंड है, तो ये जो हिस्सा है इसको अगर लूज़ कर देंगे तो ये लूज़ हो जाएगा, इसको टाइट कर देंगे हम तो ये टाइट हो जाएगा और इस तरह से रहेगा। तो यहाँ पर हमको ये लाइट लगानी है, देख सकते हैं ये फ्री हैंड काम करता है, यहाँ से ये ऐसे मूव कर रहा है, ये आगे पीछे इधर भी हो रहा है, उधर भी हो रहा है, सब तरफ हो रहा है। और इसके जो स्क्रू दिए गए हैं इनसे इसको टाइट कर लेंगे तो ये होना बंद हो जाएगा और फर्म हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है एक यहाँ पर दिया गया है, इधर एक यहाँ पर दिया गया है और एक ये दिया गया है, ये तीन है आपके। अब यहाँ पर हम अपना लाइट लगाएंगे, इसको आपको हमेशा सीधा ही रखना है, नीचे नहीं करना है, नीचे भी कर सकते हैं आप इसको लाइट करके, वैसे यहाँ से आप इसको लूज़ करेंगे तो ये नीचे भी हो जाएगा, लेकिन आपको इसको ऊपर ही रखना है क्योंकि इससे आपका सेफ रहेगा, टैबलेट और मोबाइल जो भी है वो, बाकी इसमें लगा के रखना है। इसमें हम लाइट लगाएंगे, लाइट के लिए ये जो जगह दी गई है वो उसमें फ़िट हो जाएगी, तो चलिए फ़िट कर देते हैं। इसको डालकर इसको कस लिया है, तो अब ये लाइट लग गई है, अब इसको हम यहाँ से थोड़ा सा लूज़ करके आगे पीछे कर सकते हैं इस तरह से, और इसको नीचे भी कर सकते हैं। तो ये देखिए ये कुछ इस तरह से रहेगा। अब मैं लाइट जलाकर दिखा देता हूँ, प्लग मैंने लगा दिया है ये अपने पीसी में, तो यहाँ से मैं इसको चालू कर देता हूँ, ये लाइट जल गई है आपकी। अब इस लाइट को आप कैसे भी मूव कर सकते हैं, इधर कर सकते हैं, उधर और नीचे कर सकते हैं, जितना भी चाहें। यहाँ पर आप अनबॉक्सिंग की वीडियो बना सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। अब ये लगाना रह गया है, ये इस तरह से इसमें लग जाएगा। तो ये इसमें जगह दी गई है, ये देखिए अब ये जगह है, इसमें ये फिट हो जाएगा इस तरह से, कितनी आसानी से फिट हो गया है ये। तो ये हो गया है फिट, अब इसमें आप अपने मोबाइल को लगा सकते हैं, और मोबाइल को लगाने के बाद ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो इस छोटी सी बात पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि आपका मोबाइल साढ़े चार इंच का नहीं होना चाहिए, 5 इंच तक का होना चाहिए। जैसे ये दो मोबाइल हैं, ये छोटा है ये बड़ा है, तो इतना छोटा मोबाइल तो आजकल कोई यूज़ भी नहीं करता है, ये तो पुराना है, तो ये इसमें फ़िट नहीं आएगा, इसके लिए अलग आपको होल्डर लेना पड़ेगा। कि ये इसमें आ जाएगा तो आप उसको इस तरह से लगा लें और ये आपका लग गया, अब ये इस तरह से मूव हो जाएगा, तो आप इसको ऊपर इस तरह से करके यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए मोबाइल यहाँ पर लगा हुआ है, इससे शूट होगा से होगा। तो मैं अपना ये मोबाइल है ये लगा देता हूँ इसमें, और आपको व्यू दिखाता हूँ कि कैसे व्यू एंगल बदलता है। तो आप इस वीडियो पे ज़रा ध्यान दीजिए, ये मैंने लगा लिया है, अब मैं इसको ऊपर कर रहा हूँ, ठीक। अब मैंने इसको इधर कर दिया, अब मैंने इसको इधर कर दिया, पूरा मैंने इसको 360 घुमा दिया। अब ये ऊपर का व्यू है, और ये चीज़ें हमारी रह गई थी, इसकी एक्स्ट्रास हैं ये कुछ, तो इनके पास क्लोज ले जाना है, तो मैं इसको नीचे करूँगा। और ये बड़ी आसानी से क्लोज चला गया, ये देखिए और क्लोज, इतना क्लोज भी आप कर सकते हैं। और इस एंगल पे भी ये मैंने यहाँ रखा है, ये यहाँ रखा है और ये यहाँ, इसको दिखाना है
इसको दिखाना है, ऊपर से सबको दिखाना है और ऊपर ले जाकर इस तरह से। तो ये हर तरह से काम कर रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो मोबाइल स्टैंड ओवर हेड पसंद आया होगा। ये देखिए इस तरह से लगा हुआ है और टेबल पर बहुत आसानी से आप कोई भी वीडियो बना सकते हैं। तो अगर आप इसको मंगाना चाहते हैं तो अमेज़न का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप इसको मंगा सकते हैं। 1000 और 1500 के अंदर आपको ये मिल जाएगा। कभी कभी डिस्काउंट भी चलता है, कभी कभी नहीं चलता, इसलिए 1000-1500 के रेंज में आपको ये मिल जाएगा लाइट के साथ। तो इसका ये नहीं है कि आप सिर्फ अनबॉक्सिंग वीडियो बनाए, ड्राइंग वीडियो बनाए, अनबॉक्सिंग वीडियो बनाए, कुकिंग वीडियो बनाए, कोई भी वीडियो बनाए। आपका जो ये जो किचन होता है उसका ये ऊपर का चिक होता है, स्लैब होती है, उसमें भी ये फिट हो जाएगा। तो इसको आप बहुत ही आसानी से अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। आप इसकी लाइट को सीधा करके ऊपर आप टिकटॉक वीडियो बना सकते हैं, रील्स बना सकते हैं, शॉर्ट्स बना सकते हैं। तो ये सामने फ्रंट पे भी यूज़ हो जाएगा। ये देखिए, ये मैंने इसको लूज़ किया हल्का सा और ये इस तरह से फ्रंट पर आ गया। इसको भी करना पड़ेगा, मैं एक हाथ से नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन आप ऐसे ही समझ लीजिए कि ये ऊपर हो जाएगा तो आप जो है वीडियोस बना सकते हैं सामने फ्रंट फेस की। तो मल्टीपल यूज़ हैं इसके, बहुत सारे यूज़ है। क्रिएटिव होंगे आप तो और ज़्यादा कर सकते हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय, गुड नाइट।